हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हरी दिक्कत दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज क्या है? आज मंडे। संडे को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने संडे को एक कुकिंग शूट की थी, कुकिंग का, तो वो मैं डालूंगी, डाला नहीं है अभी। तो मैंने मंडे को कोई व्लॉग नहीं बनाया। और हमारे घर आए दो सब, ये देखो, और बच्चों को देता था बेहोश पड़ा। या मेरे घर आते तो एकदम ठीक है, पर इनको पता नहीं रात को ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी अवस्था ही बिगड़ जाती है। दोनों की नहीं है तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है। ये बच्चा तो जब भी आता है ये सोफे पे ऐसे पड़ा रहता था, तो पता नहीं मैंने उसे कितना काम करवाया। घर के सोफे, बर्तन, कपड़े सब इसी से धुलवाए मैंने। चलो से हाय। चलो तू भी आए कर, नमस्ते, वेरी गुड। और आज हमने बैंगलोर से बुलाई एक काम वाली। ये सबूत है कि मेरे पापा बहुत सारा काम करे। पापा तो ये ब्लॉग मम्मी देख लेगी, मम्मी सोचेगी ये तो सच्ची हुआ होती, पर मम्मी ये बिल्कुल सच नहीं है। आज धो रहे हैं ये बर्तन। और सो ये स्पेशल तो ये बैंगलोर से आए स्पेशली मेरे घर के बर्तन धोने, मेरे छोटे मालिक। और किट्टू, हाँ नहीं ट्रेन से, और किट्टू चली गई है ट्यूशन, सी होगी थी डन। सुबह की पूजा भी डन कर ली थी। मैंने व्लॉग स्टार्ट लेट किया है क्योंकि बहुत लेट हो रहा था इसके लिए। नाना जी को भोग भी लग गया, पूजा भी डन हो, बस अभी फटाफट से घर का काम वाम निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं आज का क्या शेड्यूल है। तो गाइस हो चुकी है शाम, और शाम के दोपहर, और बज चुका है 12:30, और मैं जा रही हूँ किट्टू को लेने, क्योंकि आज किट्टू को नीचे जल्दी लेने आना था। सो गाइस मेरी किट्टू आ गई है ट्यूशन से। हाय, इधर देखिए, करो गाइस को हाय। गाइस मैं लॉलीपॉप खा रही हूं, करती हूं बस, क्या करते हैं पापा को कैसे होने। ठीक है, तो गाइस किट्टू को भी मैं ट्यूशन से ले आई। आज किट्टू को जल्दी आना था क्योंकि टीचर्स पे जाना था कहीं बाहर इसके लिए। और अब हम फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, क्योंकि काम वाली दीदी आ चुकी है और मैं गोल गोल घूम के अपना फोन लेके, तो फटाफट का काम निपटाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, काम वाम हो चुका है डन, और अब बस लंच की बारी है। काम वाली दीदी भी चलिए घर, देख सकते हो वापस पेरेंट्स का सुंदर समस्या मार्ट हो गया, और बाहर का भी सब लोग सो रहे हैं। तो मैं फटाफट से खाना बना दूँ सबके लिए, सब नहा धो के रेडी हो गए, तो मैं इनके लिए पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस तो फाइनली हो चुकी है शाम, बच चुका है शाम का 5, और हमने अपने गेस्टों के लिए चाय और मैगी बना दी। दिखा दो, तो ये रही चाय, ये रही चाउमीन, और पापा वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। और किट्टू मेरे पास आ गए, मेरी छोटी सी लड़की है, इतने टॉप नहीं, और बस बाकी लोगों की यहाँ रखी हुई है, वो जल्दी जल्दी से आए और खाए, और फिर मैं फटाफट से नहा के शाम की पूजा भी कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, है ना। गाइस हो चुकी है शाम, और मैंने नहा धो के साथ डन, शाम की पूजा हो गई है डन, और मैं नहा धो के भी फ्रेश हो गई हूँ, और बच्चे बेचारे अभी उठे, चाय नाश्ता भी पियेंगे ये। और मेरी छोटी सी हेलन को तो देख लो, अच्छा। सो गाइस मैं अभी फ्री हो गई हूँ, बस अभी मैं ना मैंने कुछ पार्सल मंगवाया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के संग भी शेयर किया जाए। सो दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या मंगाया था। सो गाइस आज मैंने मीन्सो से एक ब्रेसलेट मंगवाया है, ये बहुत ही अच्छा है और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। सीरियसली गाइस ये सिर्फ मेरे को 150 का पड़ा, और ये हम मार्केट से लेने जाएंगे ना तो हमें ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो दिखाती हूँ मैं, ये हाथ का है पूरा, हम लोग तो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ पांच कुछ ऐसे ही बोलते हैं। सो ये है इस टाइप का, दिखाती हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो इसको ऐसे पहनना है। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये मैंने मंगवाया है मिंसो से सिर्फ 150 का, और बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मिंसो, मतलब बहुत 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 ही अच्छा गिफ्ट है, और थैंक यू सो मच मिंसो, और प्राइस भी एकदम रिजनेबल रेट है, इसलिए मैंने मंगाया, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। सी देख सकते हो आप, आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा हो। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल गिफ्ट, और ये सीरियसली गाइस मुझे बहुत ही पसंद आया, और इसको आप सीट साइड में चाहे बीच वाली फिंगर में, किसी भी फिंगर में पहन सकते हो आप इसको, और ये बहुत ही अच्छा। सो थैंक यू मिंसो। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं नीचे वॉक करने, साथ में हमारी पलटन भी आई, जानो हाय कर दो। हाय।
सब बच्चे आए जो वॉक करने के लिए। किट्टू पहले वॉक करके आते आ जाओ, और पापी पहले से नीचे ही आ गई थी वॉक खाने, वो देखो वो बैठी हुई है, देखो पापी के पास, पापी बैठ के बात कर रही है। और ये रहे हम लोग, सफर थोड़ी सी हमें बहुत गर्मी हो रही थी सुबह से अंदर बैठे बैठे, इसके लिए हमने कहा चलो कहीं वॉक करके आते हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं डॉगी। हम लोग वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते हमें क्या मिला और देखो कि ये वाले कितने प्यारे हैं। गुड़िया बोली तो चिंता मत कर आदि, मैं जिंदा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। दीदी बोल रही है तो उठेगी नहीं मेरे, मैं ही उठ जाऊँ यहाँ से। गाइस मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं, बेचारे रेडी होंगे। गुड़िया का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, रो रही थी इतनी जोर जोर, कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी। अन्नी आदि बोल रही नहीं अभी चल, मेरे घर पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनका ध्यान भी रखना है। तो गाइस हम लोग ऊपर आ गए थे वॉक करके, और अब ये लोग जा रहे हैं वापस हमने घर, क्योंकि ये लोग कल आए थे और अब दो तीन दिन के बाद हमें वैसे भी सिद्धिविनायक मंदिर वगैरह जाना है, तो ये लोग हमारे साथ में हैं, वहाँ से ज्वाइन करेंगे हमको, इसके लिए अब इनको जाना पड़ेगा और हम इनको भेज देते हैं। सो चलो जानू, चलो बाय कर दो दोनों, बाय बाय, चल गुड बाय कर। ठीक है सो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ और वो लोग चले गए घर, आदि और गुड़िया अपने घर चले गए, और वो परसों फिर वापस मिलने वाले हैं, फिर हम लोग जाएंगे इधर उधर घूमने, छोटी बहन को भी थोड़ा घुमाएंगे फिर आएंगे। प्लस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाना, तो दिखाती हूँ मैं क्या बना। सो आज मैं डिनर में बना रही हूँ भिंडी प्याज की सब्जी और साथ में चप, और मिलते हैं खाना बनाने के बाद। हे गाइस सो फाइनली हो चुकी है रात और खाना पीना हो गया सब कुछ, देन उसके पापा भी आ गए। सो अब मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। गाइस उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। और ठीक है फिर मिलते कल न्यू ब्लॉग के, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात, शुभ अच्छा, लव यू ऑल।